यस सर। हाँ ओके बोलो सर, सर मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी मैं करेंटली एनआईटी सूरत कल में वो कर रहा हूँ, पावर एंड एनर्जी सिस्टम से, यानी एमटेक ले लिया मैंने इस बार, क्योंकि अभी ऑफर नहीं था मेरे को पास, मतलब इसके लिए, एमएस के लिए। तो यूएसए में तो मुझे अप्लाई करना है करके, मैंने प्राइमरी में फोकस यूएसए में किया है, बट अंकित सर ने प्रोफाइल देखी थी मेरी, तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा आपको मतलब एवरेज वाली में देखना पड़ेगा, जैसे कैलिफोर्निया हो गई, वो उन सब में थोड़ा चांसेस कम है, मतलब अभी बोले मिल जाए तो वो लक है। तो मैं वही सोच रहा था अगर ये ज़्यादा ही लोअर मिलेंगी तो उससे अच्छा फिर मैं यूरोप में किसी में चला जाता हूँ, यूरोप की अच्छी यूनिवर्सिटी। तो अभी तुमने कहीं पे अप्लाई किया है प्रेजेंट, या तुम्हारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं ऑलरेडी? मैंने सीवी तैयार कर लिए, जो वही प्रोसेस था, पर सर आईएलटीएस लिखने वाला हूँ, मतलब अभी ओके 24 तक। ओके तो एक काम ये कर सकते हो तुम, दिसंबर से पहले ना जितने भी डेडलाइंस है ना, दिसंबर से पहले ही है सारे यूरोप के लिए, तो यहाँ पे तुम दिसंबर से पहले वाले जितने भी अप्लाई कर सकते हो वो कर लो, ताकि तुम्हारे पास नेक्स्ट ईयर अगस्त के आसपास तुम्हें ऑप्शंस मिल जाएंगे, मतलब जाने के लिए, अगर तुम्हें बिल्कुल जाना ही हुआ कहीं पे तो वो इस सेंस में होगा कि अगर तुम में नहीं मिल पाएगा अभी। जैन के लिए, मैंने अभी ग्रुप पे एक्चुअली अपडेट डाले थे, अगर तुम्हें जैन के लिए चाहिए तो मैं तुम्हें कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ, मतलब जो बहुत बहुत मतलब लेट लेट क्लोजिंग चल रही है जिनकी, मतलब जो लेट लेट एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, उसमें अप्लाई कर सकते हो, बट उसके लिए आईएलटीएस चाहिए मतलब, और वो मतलब हार्डली तुम्हें 15 सितंबर 16 सितंबर तक ही डेडलाइन है सबकी, तो लेट एप्लीकेशन जो चल रही है वो 4-5 दिन के लिए ओपन होते हैं, और वो तुम्हारे पास टाइम नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास आईएलटीएस नहीं है प्रेजेंट, राइट? आईएलटीएस होता तो यस तुम उन लेट लेट एंट्री में अप्लाई कर सकते थे, सर। बट तुम स्टिल अगर आईएलटीएस लिख रहे हो तो ना, मेरा सजेशन ये कि अप्लाई करना, मतलब उसके बाद भी अप्लाई करना इनफैक्ट, और अगर तुम्हें ये है कि पीएचडी करना है तो पीएचडी के लिए भी तुम फिर टारगेट कर सकते हो एमटेक यहाँ पे खत्म करके। मैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से वो करना चाहता था, मतलब अपनी मास्टर डिग्री बेसिकली माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI से, या नैनो टेक्नोलॉजी भी समझ आएगा। राइट फिर अगर नहीं कुछ मिल रहा, कुछ यूनिवर्सिटी जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग डाल देते हैं, राइट हाँ न्यू कोर्सेस में, तो मैं उससे करना चाह रहा था। तो मुझे ओके दूसरी ओके NITS में मिल गया था उसका, बट वहाँ वही थोड़ा सा वो समझ नहीं आ रहा था उसका, राइट राइट तो राइट फिर मैंने इसलिए सोचा कि यहाँ मतलब NIT सूरत चला के मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेता हूँ। हाँ तो मतलब ओके एक्सपो जब मान लीजिए ऑफर नहीं आया मेरे पास, तो मैं यहाँ कंटिन्यू कर लूंगा अपना MTech। राइट 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 मेरा सजेशन ये है कि तुम ये कर सकते हो, एमटेक तो कंटिन्यू करो ठीक है, एनआईटी सूरत कल इज लाइक वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, ओके, तो वो कोई बुरी बुराई नहीं है वहाँ से करने में भी, और दूसरी चीज़ ये कि ना तुम अगर एमटेक, तुम्हें मान लो फुली फंडेड एमटेक मास्टर्स मिल रहा है और साथ में अच्छा यूनिवर्सिटी भी है, स्कॉलरशिप में तुम अप्लाई करते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाता है, तो फिर मैं चले जाऊंगा, ताकि तुम्हारा जो पीएचडी या फ्यूचर जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, तो ये ट्राई कर ओके सकते हो, सर। बट वो भी है मैं ना तो वही तब मतलब मैं प्रिपेयर पड़ेगा करूंगा, मतलब जब 1 साल ऑलरेडी कर चुके हो तो ठीक है, बट अगर दूसरा साल चल रहा है एनआईटी में और फिर एडमिशन आ रहा है कहीं पे तो फायदा नहीं, फिर पीएचडी करने के लिए अप्लाई करने का बाहर। अच्छा ओके। नहीं तो अभी तो जस्ट मैंने वो लिया है, एडमिशन ही लिया इस मंथ। हाँ ओके ओके हाँ, तो इस तो साल घर अप्लाई करो, इस साल अप्लाई करो बाहर के लिए। वाले वही घर वाले भी यही कह रहे थे कि तुम्हारे पास अभी ऑफर भी नहीं है, तो फिर मतलब वेट मत करो घर में बैठने का, तुम यूज कर लो उसको, फिर जब तक ऑफर आ जाएगा फिर देख लेना, फिर चले जाना जब सही राइट लगे राइट तुम। तुम्हारा बीटेक का सीजीपीए कितना है मोहित, सर 8.8 और कहाँ से किया तुमने बीटेक? बीटेक मैंने सर, मेरा प्राइवेट कॉलेज सर ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जबलपुर, RGPV में आता सर, RGPV भोपाल यूनिवर्सिटी ओके ओके लगती है। ओके ओके और यहाँ एनआईटी सूरतकल में तुम्हारे पास ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है या कोर ब्रांच है? कोर ब्रांच है सर, कोर ब्रांच। ओके ओके सही है, तो मोहित मेरा सजेशन ये कि अभी एक बार आईएल्स फिनिश कर लो, और अगर तुम्हें जनवरी के लिए मैं दे भी दूंगा तुम्हें फायदा नहीं है, अनलेस तुम्हारे पास आईएल्स की डिग्री, आईएल्स का वो डॉक्यूमेंट हो, राइट? आईएल्स नहीं तो तुम कहीं अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, तो इट्स बेटर कि तुम ना दिसंबर वाली डेडलाइंस तक अप्लाई करो, ताकि तुम्हारे पास मार्च 2024 तक ऑफर्स आने लगेंगे और फिर तुम अगस्त में कहीं पे जा पाओगे, ठीक है? हाँ, वही मैं भी देख ले, 1 साल का ही मैंने मार्जिन लिया है मतलब, और यहाँ भी मैं मतलब वो थोड़ी बहुत यहाँ का भी मतलब कर रहा हूँ, मतलब कि माइट भी अगर इस सब मैच एग्जैक्टली सिनेरियो और फिर नहीं आया, तो फिर यहाँ भी मतलब कंप्लीट कंप्लीट रहा है मेरा।
यहाँ पे भी सीजीपी अच्छा होना भाई चाहिए एक्चुअली, क्योंकि अगर यहाँ सीजीपी अच्छा नहीं होगा तो फ्यूचर में हर्डल्स आने लगेंगे तुम्हारे पास, राइट? तो जहाँ पे हो उसको अच्छे से फोकस करो एक बार, और उसके साथ ट्राई करते रहो, अगर होता है तो ठीक है, राइट? सर, मतलब मैं एक गाइडेंस भी चाह रहा था, प्लान सही है ना सर मेरा? मतलब जैसे मैं आपको अभी एक्सप्लेन किया अपने प्लान के बारे में। हाँ, मैं तो काफी अग्री करता हूँ इस चीज से जो तुम बता रहे हो एटलीस्ट, क्योंकि है ना, एक साल मार्जिन में रखना ठीक है, बट 2 साल अगर तुम ऑलरेडी सेकेंड ईयर जा चुके हो मास्टर्स के, और फिर तुम बाहर जाने का बोलो मास्टर ड्रॉप करके, तो कोई साइंस नहीं आएगा, क्योंकि वो तुम्हारा आखिरी साल है, राइट? बट फर्स्ट ईयर तक तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा बीटेक कब खत्म हुआ है? 21 से। हाँ ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तुमने जॉब किया होगा उसके बाद, राइट? हाँ सर, जॉब किया सर, बट ऐसे फ्रीलांसर किया था सर मैंने, दैट इज ओके, फ्रीलांसर दैट इज ओके। फिर गेट का ही किया था फिर। ओके, और फिर राइट राइट। तो है ना, एक काम करो, थोड़ा सा होमवर्क कर लो, हाँ जो मतलब है ना, मैंने कुछ वीडियोस बना रखे ना, तो वो थोड़े एक बार देख लो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे प्रोसीड करना है। क्योंकि तुम्हें मुझे अपना सीवी भेजना होगा, और उसके बेसिस पे मैं तुम्हें ना ओके सजेस्ट करूंगा कुछ यूनिवर्सिटीज जो तुम्हें अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है? तो मैं तुम्हें सर, वीडियोस वीडियोस के स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, तुम पोर्टल पे या जो पैनल पे ढूंढ लेना और उनको देखना शुरू कर दो, ठीक है? 3 दिन लगेंगे तुम्हें हार्डली, ओके अगर सब तुम थोड़ा होमवर्क भी करोगे तो, राइट? और फिर तुम सर, दूसरे बच्चों के साथ मैच में आ जाओगे। मुझे लगता है तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो ये करना, राइट? क्योंकि ये ना तुम्हारा मैसेज काफी दिनों बाद आया एक्चुअली मेरे पास। मैं सर इनिशियली पूरा फोकस मेरा इसमें था, यूएसए में, तो वहाँ के तो मैंने शॉर्ट लिस्टिंग भी कर ली यूनिवर्सिटीज की जो सर ने कहा था वो सब मैंने, वो मैं यूरोप का इतना ज़्यादा प्लान बनाया नहीं था, तो मैं और फिर यहाँ का भी फंस गया एडमिशन के उसमें, तो राइट इसका भी राइट प्रोसीजर मतलब टाइम लग राइट गया थोड़ा। एक्चुअली तुमने मुझसे ना सिंगापुर यूनिवर्सिटी के लिए के बारे में थोड़ी ज्यादा वो इंक्वायरी ली थी। हाँ, ये सर सिंगापुर के लिए पूछा था सर, ताइवान का भी मुझे थोड़ा सा पूछना था, ताइवान राइट राइट का जो, हाँ, राइट राइट तो क्योंकि सर मैं मतलब मेरा एक दोस्त जा रहा है मतलब वहाँ, उसके भैया यहाँ शायद वर्क करते हैं, तो वो उसमें नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जा रहा है वो, तो हाँ उससे के थ्रू मुझे पता चल रहा था ताइवान का। फिर आपने एक दिन डाला था पीडीएफ भी सर, नवंबर है उसकी डेडलाइन है, तो वो राइट सर उसका भी पूछना था सर कि अगर फिर अगर वहाँ भी अच्छा है तो वहाँ चला जाएगा। राइट राइट आई मीन फर्स्ट ईयर तुम अपने एमटेक के दौरान जितना भी तुम्हारा पहला साल है ना, उसमें जितना भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जितना भी अप्लाई कर सकते हो कर लो, ताकि तुम्हें ना मतलब नेक्स्ट ईयर 2024 में एडमिशन आने लग जाएंगे। फिर अगर मान लो तुम्हें एडमिशन ही 2025 में मिल रहा है, जब तुम्हारा मास्टर्स खत्म होने आ रहा है, तो कोई फायदा नहीं है, राइट? अच्छा ठीक मतलब है, तो आईएलटीएस दे दो जितना मैं जल्दी हो जेनुइन सके। मतलब मुझे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से मतलब करना ही नहीं था, मतलब मैं बहुत सारे सोच समझ के मतलब सोचा था कि वहां जाना है, बट ये भी था कि अब मान लीजिए कल को नहीं आया ऑफर तो फिर मैं अगर छोटी एनआईटी में फंस गया तो फिर एमटेक भी इतना उसका वैलिड नहीं रहेगा मतलब हायर डिग्री राइट के। राइट राइट ऐसा राइट ऐसा राइट नहीं, सही है तुम्हारा थॉट प्रोसेस, एट प्रेजेंट तो सही लग रहा है। अगर तुम्हें कुछ और कुछ कभी क्वेश्चंस आते हैं तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके सर, ओके और आईएलटीएस जितना सर, जल्दी हो सके दे दो, है ना? हाँ यस सर, ठीक है फिर ठीक है, मोहित। ओके थैंक यू वेरी मच सर। ओके, बाय बाय।